महंगाई, इन्फ्लेशन हर एक को परेशान करता है, लेकिन दुनिया में हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को भी तोड़ दिया है। 25 और 30 साल से उसका प्राइस सेम ही है, 5 रुपए। पहले भी 5 रुपया, आज भी 5 रुपया, और ये 5 रुपया का प्रोडक्ट बेच के 17,000 करोड़ का कंपनी बना दिया। यानी इन्फ्लेशन को तोड़ो तो 17,000 करोड़ का कंपनी आप बना सकते हो, और दाम 5 रुपए ही। ये कौन से बिस्किट की बात हो रही है? एक ऐसा बिस्किट जो हर घर में है, हर प्लेट में है, हर चाय की प्याली में साथ में मिलेगा, जिसका टेस्ट बचपन से लेकर आज तक वही है, और हर एक बाइट में यादों की मीठी बारिश होती है। अभी तक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये तो अपना खुद का पार्ले जी है। दुनिया की नंबर 1 बिस्किट की ब्रांड है पार्ले जी। इनका प्रोडक्शन इतना वर्ल्ड क्लास है कि इनके पास नए नए तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एफिशिएंसी के ये बाप है। ऐसे मार्केटिंग की है कि आज बच्चा बच्चा भी पार्ले जी को जानता है, और उस पे जो बैस्कॉट है, वो क्यूट सी बच्ची है, वो तो आज वर्ल्ड फेमस आइकन बन चुकी है। और इसे कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। आज से 25 साल से पहले वही बच्ची की फोटो के साथ बिकता था बिस्किट, और आज भी वही बच्ची के साथ, वो फोटो के साथ बिस्किट 5 रुपए में बिकता है। और इसी कनेक्ट के बलबूते पे एक अकेले पार्ले जी बिस्किट ने 905 करोड़ की सेल्स क्रॉस कर दी। ब्रांड भी बन चुका है और डेली यूज में यूज भी होता है। ये सभी चीज के ऊपर क्लैरिटी मैं दूंगा ये वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस मेंटोर और इन्वेस्टर, और मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय जिनेंद्र। स्टार्ट करते हैं 1929 से, जब विले पार्ले मुंबई में मोहनलाल दयाल चौहान ने एक छोटी सी फैक्ट्री से पार्ले प्रोडक्ट्स की नींव रखी। इस वक्त पार्ले सिर्फ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन 1939 में उन्होंने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और 1940 में पार्ले ग्लूको बिस्किट्स को लॉन्च किया। पर नाम पार्ले ही क्यों रखा गया, इसके पीछे की वजह उस जगह में छुपी है जिस जगह से उन्होंने कंपनी की शुरुआत की, यानी कि विले पार्ला मुंबई का एक छोटा पार्ट है। लोगों के बीच में इनके प्रोडक्ट्स इस तरह से फेमस हो गए कि वो पार्ले के बिस्किट से ही फेमस हो गया कि ये बिस्किट विले पार्ले वाले का है, और इनडायरेक्टली ब्रांड एसोसिएशन हो गया ये पार्ले बिस्किट है। तो उन्होंने सोचा कि जब लोग हमें पार्ले बिस्किट बुलाते हैं तो कंपनी का नाम हम क्यों नहीं लोगों के साथ ब्रांड फाइनल कर दे, और ये इसका आंसर है। अब आप लोग के मन में सवाल तो आता रहेगा कि पार्ले तो बहुत बड़ा कंपनी है, और ये कंपनी से बिस्किट नहीं बनाता, एप्पी भी बनाता है, बेली भी बनाता है, बिस्लरी भी बनाता है। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। मोहनलाल दयालाल चौहान के 5 बेटे थे। अब 5 बेटे में ऐसा तो नहीं होगा कि बंटवारा न हो, इसलिए जयंतीलाल चौहान जो अलग चले गए और आज एप्पी, फ्रूटी और बेली जैसे प्रोडक्ट्स उन्हें चला रहे हैं। दूसरे बेटे रमेश चौहान, इनका नाम जुड़ा है बिस्लरी से, उन्हें उस समय 4 लाख में बिस्लरी को खरीद लिया और फिर उसको आगे बढ़ाया। बिस्लरी के ऊपर एक पूरी केस स्टडी मैंने बनाई है, वो अलग से आप जरूर देख लेना। और अब बच्चे उनके 3 बेटे, तो जो मेन पार्ले की कंपनी है वो इन 3 के अंडर है। हर तरीके प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इनका कमाल भी देखो, पार्ले जी बच्चों, जवान, बूढ़ो सबको टारगेट करता है। मोनाको जितना मीठा नहीं पसंद उन्हें टारगेट करता है, और वो नमकीन बिस्किट उन्होंने पोजीशन किया है, और आम आदमी नहीं जिनको कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ हटके प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके लिए हाइड एंड सीक, यानी बिस्किट के पोर्टफोलियो में अलग कस्टमर सेगमेंटेशन को, अलग क्लास के कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट्स, यानी पूरे बिस्किट का मार्केट कैप्चर करने का इनका इरादा है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो इतना स्ट्रांग है, लेकिन पार्ले की मार्केटिंग भाई साहब 1 नंबर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पार्ले जी ने अपने मार्केटिंग और पैकेजिंग के माध्यम से लोगों के दिल में अपनी एक सॉलिड जगह बना रखी है। उनका दूध और व्हीट से बना बिस्किट एकदम सस्ता और हेल्दी था, और इसलिए आम लोगों के बीच आ गया, और साथ ही साथ हर दाम में अवेलेबल था, 2 रुपए से लेके 100 रुपए तक, और हर तरह के लोगों के लिए ये एक्सेसिबल था। उन्होंने अपने बिस्किट को इंडिया के हर शहर, गांव और कस्बे तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, जो इनका सीक्रेट सॉस है। पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में इतना स्ट्रांग है कि शायद कोई कंपनी इन्हें टक्कर न दे पाए। किसी भी कस्बे में चले जाओ दुकान पे, वहां कुछ भी मिले न मिले,
पार्ले जी बिस्किट जरूर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उनका मार्केटिंग क्या होता है, पार्ले जी, जी बोले तो जीनियस, यानी प्रोडक्ट को ऐसे पोजीशन कर दिया कि ये चीज आप अपने बच्चे को खिलाओ, वो बच्चे का आपने लोगो देख लिया तो आपका बच्चा जीनियस, स्मार्ट, हेल्दी, हैप्पी बनेगा। बिस्किट खा के शायद कोई जीनियस बनता नहीं, लेकिन ये मार्केटिंग लोगों ने एक्सेप्ट किया। पार्ले जी के मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को और समझते हैं। उन्होंने पैकेजिंग को बहुत सिंपल रखा, आइकॉनिक व्हाइट एंड येलो पैकेट और उस पर बनी छोटी सी लड़की की तस्वीर हर किसी को याद है, जो एक सिंबल बन चुका है पार्ले जी का, उसके प्योरिटी का, सिंप्लिसिटी का और जीनियस का। तो आप लोग के मन में सवाल जरूर आता रहेगा कि जब दुनिया भर में चीजों का दाम इतना बढ़ रहा है तो पार्ले जी ने क्यों अपना प्राइस बढ़ाया नहीं। तो तीन रीजंस है, समझते हैं। पहला रीजन उनका मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई हजारों में बिस्किट्स नहीं बनाते, ये एक दिन में लाखों बिस्किट्स बनाते हैं। और जब सामान इतना बल्क में आप बनाते हो तो रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते पड़ते हैं, इनसे आधे से ज्यादा मार्जिन उनके पास रहता है और उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंट रखेंगे। अपने बिस्किट्स के दाम बढ़ाने की उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके पास अच्छा मार्जिन था। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने रखा है श्रिंकफ्लेशन, यानी कस्टमर को बेवकूफ बनाने का स्मार्ट तरीका। दाम तो नहीं बढ़ा भाई, लेकिन क्वांटिटी जरूर कम हुआ। पहले 5 रुपए में 100 ग्राम का बिस्किट आता था और आज 50 ग्राम का बिस्किट आता है, यानी कि 100 ग्राम के प्राइस का 10 रुपया। तो प्राइस तो बड़ा है और आपको बिना बताए ही उन्होंने अपने प्राइस सेविंग्स कर लिए। इंडियन कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस है, वो समझता है कि भले बिस्किट कम हो गया लेकिन 5 रुपया कैजुअल चाय के साथ 5 रुपए में बिस्किट भी हो जाएगा। और तीसरा स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्स पोर्टफोलियो। एक स्टार और हीरो प्रोडक्ट को उन्होंने सोचा कि इसको छेड़छाड़ नहीं करते, ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट है जो हर घर में जाता है। बाकी प्रोडक्ट्स जिसमें हम मार्जिन कमाते हैं, जैसे कि क्रैक जैक हो या अच्छे हाइड एंड सीक बिस्किट्स हो जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन हो, वो यही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण इनका पेनिट्रेशन हो गया और सेल बढ़ गया। यानी पार्ले जी इज अ हीरो प्रोडक्ट जो हर दुकान और घर में एंट्री देता है और उसके पिगी बैक करके ही आपके क्रैक जैक और हाइड एंड सीक बिकता है और आपका प्रॉफिट डबल होता है। यानी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके लिए बहुत ज्यादा काम का था। COVID-19 के वक्त जब हर कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, तब पार्ले जी ने अपने प्रोडक्शन बढ़ाई और लोगों को अफोर्डेबल और न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करने में अपना ब्रांडिंग कर दिया। पार्ले जी ने अपना रिकॉर्ड बनाया कि जब 2020 में लॉकडाउन के दौरान उनकी सेल सबसे ज्यादा थी। और पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि एक लेगेसी है। इस कंपनी ने हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाया है। हर बाइट में, हर टेस्ट में पार्ले जी ने अपने आशीर्वाद दिए हैं और इसलिए आज भी हर घर में ये बिस्किट अवेलेबल है। पार्ले जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने क्वालिटी और वैल्यूज को ध्यान दो, स्मार्ट पैकेजिंग करो, स्मार्ट पोजिशनिंग करो और आप एक सॉफ्ट मैसेज दो, एक इमोशनल मैसेज दो कि जी बोले तो जीनियस बच्चों के लिए जरूर है, तो आपका प्रोडक्ट हिट होगा। और प्राइस को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप सुपरस्टार कंपनी बना सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में थॉट जरूर देना। और अगर आपको एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर, लीडर या एक इंपैक्टफुल पर्सन बनना है, कीप फॉलोइंग बसेश गाला, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। लव एंड ब्लेसिंग्स।